नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वाद से सेहत तक। दोस्तों, आज हम व्रत के लिए राइस थाली बनाने जा रहे हैं। इस थाली को हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। इस थाली में बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, पर हाँ, इस थाली में वो सब है जिससे आपका पेट और मन दोनों भर जाएगा, वो भी बिना थकान और टेंशन के। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सावा के चावलों का पुलाव बनाएंगे। अभी इसकी सामग्री देख लेते हैं, बाकी का सामान बाद में, जैसे जैसे हम रेसिपी बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। हमने यहाँ एक कप सामा के चावल लिए हैं, आधी कटी हुई गाजर, एक आलू, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, एक चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो चम्मच मूंगफली दाना, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सेंधा नमक, इसे हम रत का नमक भी कहते हैं, और तीन चम्मच घी। सबसे पहले हम गैस पर कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक कुकर गर्म हो रहा है, हम सामा के चावलों को धो लेंगे। इसके लिए हम यहाँ एक बड़ा बर्तन ले रहे हैं, उसमें एक कप सामा के चावल को डाल रहे हैं, उसमें पानी डालकर उसे धो लेंगे। चावलों का पानी छन्नी की सहायता से निकालेंगे। अगर बिना छन्नी के निकालेंगे तो हो सकता है चावल नीचे गिर जाए, क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं। कुकर अब गर्म हो गया है, अब इसमें तीन चम्मच घी डाल रहे हैं। अब इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। देखिए जीरा कैसे चटक रहा है। अब इसमें अदरक, हरी मिर्च, मूंगफली दाना, गाजर और आलूओं को काटकर डाल देंगे और एक मिनट तक तेल में फ्राई करेंगे। एक मिनट के बाद इसमें धुले हुए सामा के चावल को डालकर मिला देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। जितना हमने चावल लिया था उसका डेढ़ गुना पानी डालेंगे, यानी एक कप चावल लिया है तो डेढ़ कप पानी चल जाएगा। अब धनिया पत्ती और एक चम्मच सेंधा नमक को डाल देंगे। ढक्कन लगाकर एक सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक कुकर में सीटी आती है, चलिए रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें एक कटोरी दही को डाल रही हूँ। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें आधी गाजर और आधा ही खीरा को कद्दूकस करके डाल रहे हैं। फिर इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा और आधा चम्मच सेंधा नमक को डालकर मिला देंगे। रायता एकदम तैयार है। चलिए अब हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए एक कप हरे धनिया को काटकर मिक्सी के जार में डाल रहे हैं, उसमें दो हरी मिर्च और आधा इंच अदरक के टुकड़े को काटकर डाल देंगे, आधा चम्मच व्रत वाला नमक और तीन चम्मच दही को डाल देंगे। इन सभी चीजों को पीस लेंगे। देखिए हमारी हरी चटनी भी तैयार हो गई है। कुकर में सीटी भी आ गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कुकर की भाप निकलती है, चलिए झटपट कुछ मीठा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ आधा कप नारियल का बुरादा लिया है और एक डला गुड़ लिया है। दोस्तों, नारियल के बुरादे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। नारियल के बुरादे को एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और उसी प्लेट में गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों, गुड़ इतना ही लेंगे जिससे
नारियल अच्छे से बंध सके। गुड़ को हमने यहाँ कद्दूकस कर लिया है, अब इसे हाथों से मसलते हुए मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, लड्डू अच्छे से बंध रहे हैं। अगर लड्डू ना बंधे तो थोड़ा सा गुड़ और डाल दीजिएगा। ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू है और मिनटों में बन भी जाता है। यहाँ लड्डू भी तैयार हो गया है, कुकर भी ठंडा हो गया है। चलिए पुलाव को चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, एकदम खिला खिला पुलाव तैयार हो गया है। तैयार है हमारी व्रत के लिए झटपट बनने वाली थाली। इसे हमने सिर्फ 15 मिनट में बना लिया है। इस थाली में हमने बनाया है सावा चावल के पुलाव, वेज रायता, हरी चटनी और नारियल और गुड़ का लड्डू। ये खाना टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें कुछ भी तला हुआ नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नवरात्रि स्पेशल व्रत की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्रत के दिनों में आप इस हेल्दी और टेस्टी व्रत की थाली को बिना टेंशन लिए बनाइए और अपने व्रत को खूब इंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।